आपने कभी सितारों की दुनिया को करीब से देखने का सपना देखा है? तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नेहरू तारामंडल, मुंबई, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की हर रहस्यमयी कहानी जीवंत हो उठती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं करता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अपने घर से निकले थे डोंबिवली ईस्ट लोकल ट्रेन से, वाइकल्ला स्टेशन पे उतरी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके काली पीली टैक्सी ली, जो कि अराउंड 100 रुपये के करीब इन्होंने लिया तारामंडल तक के जाने के लिए। और इसके बाद हम लोगों को वहाँ पे पहुँचाया, जो कि आप देख सकते हैं, तो बच्चे और हम सब लोग हाय कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े नेहरू तारामंडल के लिए। अब ये रास्ते बहुत ही अच्छा रास्ता है ये, जो कि नेहरू तारामंडल वर्ली में है। और ये आप देख सकते हैं, ये नेहरू तारामंडल आ गया है। नेहरू तारामंडल मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित है। इसे 3 मार्च 1977 को स्थापित किया गया था। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने को साकार करता है, जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही गहरी रुचि रखते थे। यहाँ पे आ गए और अंदर जा रहे हैं। यहाँ का टिकट का प्राइस है लगभग 150 रुपये, और जो कि 5 साल तक के नीचे के बच्चों का नहीं लगता है। ये देखिए, नेहरू प्लैनेटेरियम लिखा भी है। और यहाँ का शो अलग अलग टाइम पे रहता है, और स्टार्टिंग के 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक ओपन रहता है। नेहरू तारामंडल की एक मुख्य खासियत है इसका डोम शेप थिएटर में है। यहाँ आपको 360 डिग्री का अनुभव मिलता है, जिसमें आकाश, ग्रह और तारे बिल्कुल असली लगते हैं। यहाँ होने वाले शो में ब्रह्मांड की कहानी, ब्लैक होल्स और ग्रह की रहस्यमय दुनिया का को समझाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड भी लगी है। और इसके बाद हम लोगों ने टिकट ले भी लिया है, और हम लोगों का टिकट लेने के 1.5 घंटे बाद का शो था। तो हम लोगों ने नेहरू सेंटर घूमा, जो कि नेहरू आर्ट गैलरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया घूमा। तो ये मैं आपको लिंक बायो में दे दूंगी, यहाँ पे भी आप जाके ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे का टाइम था, तो हम लोगों ने विजिट किया। और ये देखिए, नेहरू प्लैनेटेरियम के बारे में कुछ लिखा है। अब हम लोग अंदर आ गए, बच्चे देखिए काफ़ी रुचि के साथ सुन रहे हैं। जब हम लोग एंट्री करते हैं, तो इन लोग मतलब कुछ कोई तो होता है जो यहाँ पे पूरा नॉलेज देता है प्लैनेट के बारे में, और तारामंडल के बारे में, और आकाश के बारे में क्या क्या है, वो सारा एक साथ बच्चों को ही ब्रीफ में बताता है, जो कि बच्चे आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ बच्चों और विज्ञान के प्रेमियों के लिए इंटरएक्टिव प्रदर्शनियाँ भी हैं। इन प्रदर्शनियों के जरिए आप ब्रह्मांड के वैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझ सकते हैं। बच्चों के लिए यह जगह एक अद्भुत एजुकेशनल टूर की तरह है। वो रख सकते हैं सूर्य के बाद ग्रहों का परिचय लेते हैं। मर्क्यूरी, वेनस, सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है, और ना ही तो उसे एक भी चंद्र है। आप में से लगभग सभी ने इन दिनों जाने अनजाने में दे दो सीखो। यहाँ एक छोटा बुक स्टोर भी है, जहाँ आप अंतरिक्ष और विज्ञान के पर आधारित किताबें और गाइड्स खरीद सकते हैं। साथ ही साथ तारामंडल का कैफेटेरिया है, जहाँ पे आपको स्वादिष्ट स्नैक्स और साथ में रिलैक्स करने का मौका भी मिलता है। और आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे तारामंडल के मेन थिएटर में घुस गए हैं, जहाँ पे पूरा
जानकारी दी जाएगी। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये थिएटर है और सबकी सीट फिक्स है। अभी ये स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। सो वो बोल रहे हैं, वो सुनो और ये देखो। अभी मुझसे मत पूछो। तारे हैं, तारे मिला के ऐसे बन जाते हैं। आप सभी ने यकीनन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। इस समय यह अंतरिक्ष में है और हमें वहां से बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं दूरबीन का छोटा सा मॉडल। देखो दूरबीन का मॉडल है, टेलीस्कोप। और ये देखो सैटेलाइट है, ये देखो। यहाँ एक निहारिका का भाग है, पार्ट ऑफ द नेब्यूला। इधर हवा पीछे देखो। यहाँ वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया पाए जाते हैं। वो गुरु 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 ग्रह बोलो मत। इस प्रकार की निहारिकाओं को कहा जाता है प्लैनेटरी नेबुला। तुलना करने का हम पाते हैं कि हमारे ग्रह की तुलना में जेम्स वेब दूरबीन तीन गुना विशाल है और दूरबीन की जो कांच है ये बेरिलियम से बनाई गई है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है जिससे हमें रिफ्लेक्शन 99% तक मिल पाए। अंग्रेजी अक्षर एम स्वरूप में है होती है। ये है महाश्वेत चतुष्कोण।
सोते तो कैसा रहता है आकाश? मेष तारामंडल एस कॉन्स्टेलेशन। मेष में दो सबसे चमकीले तारे हवन शरद संयुक्त रूप से आकाश के इस भाग को भारत में कहते हैं अश्विनी नक्षत्र। ठीक उसी समय दक्षिण पूर्व में तीन तारे सर्वरेखा और ऐसे ही
भी स्काई को देखो। जो होगा देखो ना, ये देखो बायोग्राफी। एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। देखो आसमान की ओर देख रहा है। रात के वैज्ञानिक है। देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। गैलीलियो नाम है उसका। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होगा। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। देखो ये चंद्रमा है, ये मून है। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद भी एकदम सपाट है, लग रहा है कि गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया। अरे यहाँ पे आ गया। अरे पृथ्वी की सतह जैसी। वाह। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर चार छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो। देखो जुपिटर है। पहले उन्हें किसी ने सुनो छोटे। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? मुश्किल था। गैलीलियो को ये एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर ये पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहाँ बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा। पूरा सुनो ना, वही बताएंगे। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई? सुनो ना, वो बता रहे हैं। कितने तारे हैं आसमान में? विश्व का भविष्य क्या होगा? वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। लगभग 14 अरब वर्ष है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था।
जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहले 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखर कर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व आंतर तार के अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की, कुछ अंडाकार है और अन्य अनियमित आकार की है, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है। उन 4,000 लाख तारों में से जिनसे आकाश गंगा बनती है, पर हमारी आकाश गंगा जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाश गंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाश गंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते हैं। तो अब सो समाप्त हो गया है, तो देर किस बात की है। अगर आप भी तारे, ग्रह और ब्रह्मांड की अनोखी दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो नेहरू तारा मंडल जरूर आइए। यह न सिर्फ एक विजिट है बल्कि एक अनुभव है जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब यह आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग निकल गए हैं और काफी हैप्पी हैं, काफी चीजें जानकारी मिली सब लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से सामने ही नेहरू सेंटर दिख रहा है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे किसी और अद्भुत जगह पर। तब तक देखते रहिए, ब्रह्मांड की अनंत दुनिया को खोजते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।